हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीडे फूड्स। आज हम आपके साथ सांभर मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सांभर मसाला बनाने के लिए हम एक बड़ा चम्मच चना दाल लेंगे, उसके बाद हम एक बड़ा चम्मच उड़द की दाल लेंगे, एक बड़ा चम्मच हम साबुत धनिया लेंगे, एक बड़ा चम्मच हम जीरा लेंगे और एक बड़ा चम्मच हम सरसों के दाने लेंगे, एक बड़ा चम्मच हम चावल लेंगे। चावल डालने से सांभर मसाला बहुत ही बढ़िया बनता है, लेकिन अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच हम सूखा नारियल लेंगे, एक छोटा चम्मच हम साबुत काली मिर्च लेंगे, आधा छोटा चम्मच हम मेथी के दाने लेंगे। अब हम इसमें सूखा लाल मिर्च डालेंगे, उसके बाद हम एक बड़ा चम्मच करी पत्ता लेंगे, उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भुनेंगे। भुनते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसे कभी भी हाई फ्लेम पर नहीं भुनिएगा, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जल जाएंगे। जब ये भून जाएगी तो इसमें से हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। देखिए, इसे भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इससे भीनी भीनी खुशबू भी आने लगी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसे हम ग्राइंडिंग जार में निकाल लेंगे। देखिए, इसे हमने एक ग्राइंडिंग जार में निकाल लिया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हींग डालेंगे, उसके बाद हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। अब हम इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए, इसे हमने ग्राइंड कर लिया है, सांभर मसाला रेडी है और ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर आप इस तरह से सांभर मसाला अपने घर में बनाइएगा तो आपको मार्केट से सांभर मसाला खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी और आप इसे एक एयर टाइट डब्बे में भर के 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।